चंपावती, चंपावती, जाने परा तमे थिले परा किछि असुविधा होवने सब कथा बुझिबा को त तमे तमे घर कोड़ो काल ले चंपावती मते चतुर देखो जमते अंधार दिस आ तमे न थिले ना मते भी अंधार दिसे दिसटी मो जाने परा तमोर मोर जात बला एक राज जटक बड़ी छि एक प्राण एक मन सब जमते एका त एति चंपावती मो बापा अरे तुम शशुर म गुण चिन्हा गुणिया घर को बाछी बाछी एमती गोटे बहु आनी सत्य जमी लक्ष्मी ठाकुराणी दिए तो खाली यही नुह चंपावती राज दरबार रे पंडित महल बाट घाट नई तुठ गाँ गंडा चारिड़े तुम प्रशंसा मु करना चंपावती तमें कल मोर एमती सेमती स्त्री हो कि राज जटक स्त्री ना सत्यरे तमे मते एते भल पा बोली मु जानि नथिली तमे ताले तमो पतिर अंतर आज पर्यंत चिनी पाल नथिलो ए बहु मोर दुर्भाग्य ए बहु तू बा को कहनु मु बा सागर जीबी बोली हेटी सुनु छ मको कोन कहूची तमे सुन तम गेला बसर कुळ नंदन रा दरटी तुंडा तमे सुन कहू जन्म रे मु की कर्म करथिली के जानी ए जन्म रे ए भोलिया पुअर बाप हे कि मु जन्म हेली मो बाप पणिया को धिक आ ता पुओ पणिया को साड़ा तमे मो पुओ को काहे केमिति कहू छ कहिलो किए केते बार ओसा व्रत करि पुओटे पाउनी विधाता अमकल को पुओटे देईची बुझिलो चंपावती तमे सिना पुओर माईच बोली तम छाती कुंडे मोटे हे जाउची हेले मु पुओर बाप होईची मो छाती खाली उठुची पडुची उठुची पडुची उठुची पडुची ए भोली जोगदना पुओर बाप बोली मु गारे परिचय देले ना लोके खाली मते बा 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 करिवे ए बहु तू बा को कहनु बा सांग जीवी बोली बात तो तोर जातरा देखी जाउची रे जातरा देखी जाउची तो बलिया कुलनंदन को सांगरे लेकि जीवो खजा किणी दब खजा किणी दब ए दुकान से दुकान बोले कि खेलना किणी दब हाथी ने घोड़ा ने मो पे काली बजाई दे छी 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 तो तेके लाज सोर मो नहीं रे जग जन्मा धन्य रे तो जन्म घड़ी मूल ए बहु तू बा को कहनु बा सांगल जीवी से तम सांगरे केते थरो बाहरलानी जीवो बोली ताकू तमे सांगरे नहीं जाऊ न से आगर राजदरबार देखिले तो पुणी तम भली विदूषक हबो विदूषक हबो अयो विदूषक कोन तोले मामूली काम होई छे जे नाइ से विदूषक होई जिवो विदूषक हबा पई ज्ञान दरकार बुद्धि दरकार जानिछ चंपावती राजांको मुंडो को बुद्धि न डुकले से पचारंती मते पंडित दरबार रे ज्ञान रो अभाव हेले से माने भी पचारंती मते ए सते तमे अमर एमितिटी मु भाबितिले तमे राजघर कोन गोटाय काम करूथिबो ना हो ए साई रे माई पे पुनी मो आगरे बडेई देखै कथा कहबे देबिनी ताका मो भांगी एते दिने के तमो स्वामी रो असल रूपटा तमे ठौरे नेलो नै हो चंपावती एथो मो आछी राज दरबार मोर अनेक काम अछि ए ओ बेडा सावधान 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 महामहिम प्रबल प्रतापी श्री श्री कृष्णदेव राय राजसभा को विजय कर महामंत्री राज्य रो समाचार कौन समाचार सभापति राज्य रो समाचार कौन मुख्य नगरपाल राज्य रो समाचार कौन समाचार समाचार कौन समाचार 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 समाचार
आश्चर्य ये सामान्य प्रश्नर उत्तर किए दे पार ना महामंत्री सेनापति पारिषद वर्ग समस्त अयोग्य अपारग मु समस्त को बहिष्कार करी प्राण दंड रे दंडित करी प्राण दंड अपराध मार्जना करंतु पड़िबा कोन तमे कहबा को चाहो कहथिली कि सभावतर क्षमा गुण रे पारिषद वर्ग को क्षमा करो कोन हिजो गोपाल तमे एंती आखि बुझी कान रे हाथ दी पार्टी बंद करी बसछ कोन किछि कहिबो ये मणिमा दरबार रे ये गोपाल जणे अति नगण्य विदूषक सेवा कोन कहिबो छामु किंतु तमे आखि कान पार्टी बंद करी बसथिलो काहे कि महामंत्री महामंत्री सेनापति नगरपाल अमात्यंक उपरे छामुंकर राग देखिबि नाही आउ सुणिबि नाही बोल सेथिरे तुम लाभ किछि नाही किछि नाही छामु खाली कोन कि माने छामु अमात्य आउ समस्तंक अयोग्य अपारग बोली कहिले अथम गोपाल को तो किसी कहले आई गोपाल शुणी पारि नथांता महामंत्री सेनापति मु तुम मान को प्रजा मान सुख दुख बुझा नियोजित कर सदा सर्वदा कर्मरत मणिमा प्रजा मान सुख दुख प्रत्येक दिन बुझुचु कौन बुझुच सेनापति कौन बुझुच प्रजा मान समस्त दुख सुख बुझी दे कृपा समस्त मंगल अथच वर्षा बिंदु नास्ति वर्षा गर्जन तर्जन करी आसिबार मोर तो कहीं दृष्टिगोचर हेइ नै छामु राजप्रसाद रहि जानि पार नथिबे छामु राज कार्य रे व्यस्त हेइ जानि पार नथिबे छामु निद्रा जाइथिबे बोधवे सेति पई जानि पार नथि छामु को अज्ञातर वर्षा हला सब मिथ्या प्रतारणा मु तमन को कठोर दण्ड रे दण्डित करिबि छामु हां पंडित मण्डली रो अन्य किछि समाचार श्रुतिगोचर हेइतिले ता दरबार रे प्रकाश करंतु अछि आज्ञा अछि आम द्वितीय पंडित द्वितीय पत्नी जहाँ को दुई मास तले पूरा पूरी संपूर्ण वैदिक रीति रे विवाह करितिले जहाँ को बयस 17 किंबा 18 ना 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 पंडित संवाद रे त्रुटि परिलिखित होला त्रुटि त्रुटि ठीक अछि अन्य पंडित मान को पचरा जाऊ ए संवाद सत्य कि मिथ्या ना संवाद अवश्य सत्य किंतु बयस रे टिके व्यतिक्रम रहि गला मोर द्वितीय पत्री कर बयस होला 16 वर्ष 5 मास 3 दिन हाउ हेला हे से काली राती रे पंडित महाशयक सहित झगडा करी रात्र 12 टा समय रे ना 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 12 घटिका नुए 12 घटिका मध्य रात्री अमृत बेला रे हाउ हेला हे सेई समय रे सेई घटिका सेई रात्री सेई बेला रे निछाटिया रास्ता रे बिना बाधा विघ्न रे गज गमनी चाली चाली पितृगृह को गमन कले अच्छा अन्य पंडित माने किछ संवाद देबे हमर पंडित सी समा मुसांग उपद्रव रे व्यतिव्यस्त होई घर छाड़ी से ठाकुर घर जाए आश्रय नेले पंडित भूल कहिले मु भीरु नुहे वीर आक्रमण प्रतिशोध ननै नीरव रहिबा लोक मु नुहे सामान्य मूसिक आक्रमण रे भयभीत हई मु देवालय रे आत्मगोपन करिवि ए सब संपूर्ण मिथ्या 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 नुहे आ कोन मूसा आक्रमण करी मोर चुटी को क्षत विक्षत कला मु क्रोधयुक्त हई जष्ठी रे प्रहार कली से भय रे गर्त रे प्रवेश कला ताकु दमन करिया पई मु मार्जर को मुतयन करिछि महाराज को जय हो की संवाद दूत मुर्शिदाबाद दबाबंक दूत छामुक दर्शन अपेक्षा
ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ହଠାତ୍ ନବାବ ଦୂତ ପଠେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରେ? ନବାବ ପୁଣି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଦୂତ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ବିପଦ ଆସିଗଲା ବୋଧ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ତମର ଗୋଟେ ବଦବ୍ୟାସ। ଦୂତ ଆସିବାରେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ନବାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନବାବଙ୍କ ପତ୍ର ପାଠ କରି ସଭାସଦବର୍ଗଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମ। ସେନାପତି ପତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନରପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ ମହୋଦୟ, ଆମ୍ବ ଲେଖିବା କାରଣ ଏହିକି ଆମ୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଅଛୁ। ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଆମ୍ବ ଦରବାରରେ ଜଣେ ମହାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ୍ବ ରାଜ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇବେ। ମୋ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଶ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଆମ ସଭାକୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇବେ। ତା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ଇତି ନବାବ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ଆଗନ୍ତୁକ, ତୁମେ ଆମ ଅତିଥି ଭବନରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ପ୍ରହରୀ, ଅତିଥିଙ୍କ ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ, ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମଣିମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ଧର୍ମ ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ନହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କେହି ତର୍କରେ ବଳେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ମୋର ସିଏ ମାନେ 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 ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକିରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲି ଯେ କାଲି ସକାଳ ସାତ ଘଟିକା ବେଳେ ଜୁଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ନ ଆଣିଲେ ମୋ ଘର ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୂଳର ହେବି ନାହିଁ, ଲୋକ ନାନା ଅପବାଦ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମଣିମା, ମୋର ଟିକେ ବାତ ରୋଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଦରବାର ଛାଡ଼ି ପଦାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ମୋତେ ତର୍କରେ ବଳିଯାଆନ୍ତା? ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ବିବାହର ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମୋତେ ଜୋଇଁ ଡାକରା ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଜ୍ଞାନତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି, ହେଲେ କଥା କ'ଣ କି ଛାମୁ, ଆମ ଶ୍ରୀମତୀ ପୋଥିଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ ଛାମୁ, ପୋଥି ନ ନେଇ ଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ? ମୋତେ ତ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଉପାୟ ଅଛି ଛାମୁ। ଗୋପାଳ? ହଁ ଛାମୁ, ଏକମାତ୍ର ଏ ଦିନହୀନ ଗୋପାଳ କେବଳ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ପୁଣି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ? ତମର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ। ତା ନହେଲେ ତମ ଭଳି ଜଣେ ଦର ପାଠୁଆ ବିଦୂଷକ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଓହୋ, ସେ ଗୋଟେ କିଛି ମନରେ ଭାବିକି ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବେ ନା ଆଉ।
किए जिते जावाक प्रस्तुत नुहति क्या तो हमें पठेक पड़ो कही नगले नवा पुणी मत कौन भावे गोपाटा आम दरपाठ हेले भी बुद्धिमान लोकटाए कौ गोपा ये महासंकट में तुम उपर निर्भर कर महामंत्री काली सुप्रभात रु नवाब को दूत सह गोपाल को जीवार बंदोबस्त कर हेले गोपाल काली नवाब को दरबार रे महापंडित को सह तर्क युद्ध रे तुम हारी जाओ ताले तुम शास्ति कोन हो जानिछ तो जाने जानिछि मणिमा तीरच्छेद नहले सुणी एई दीटा रु गोटे हां जोटा तुम पसंद खाली सेति कि नुए मु नवाब को चिटाउ लेखी जणै देबि जे तांको दरबार रे महापंडित को पुराण चर्चा रे हरैया पई महाराज कृष्णदेव राय को दरबार रो पंडित को आवश्यकता नाही आमो दरबार रो विदूषक गोपाल ही यथेष्ट ना कोन कहउच मु जहा उचित मन करिवे आ ए कथा भी जणै दबो जे जदि आमो गोपाल तर्क चर्चा रे हारि जाय ताले ताकु स्वगृह को फेरिबा को सुजोग न दिया जाय नवाब तापति जहा दंड विधान करिवे से ताकु भोगिबा को बाध्य ना कोन कहउच गोपाल तुम्हें राजी तो राजी हो कि न हो यहाँ मोर आदेश तुम कहीं दुर्बुद्धि कल कह दुर्बुद्धि नुह चंपावती गलु 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 मार ओलु भाग कम टाइम मु मूल मना कर राजा घर कम छाड़ बोली निजर कूलधंदा हेले कर हे तमे जीव पंडित मान लड़ा को पंडित मान पंडित मान लड़ाक जाती तमें कौन तक लड़ पार एवं कौन हम कह कौन तर्क हारे मुंड काट नुणी हे मालो शेष को मो भाग्य कौन या मो आखि आगे मो मणीसटा तम आखि आगे नुह चंपावती तम आखि आगे नुह मुंडो काट हेउ कि चुड़ी हेउ जा हव सब सेइती हव राजांकर हुकुम नोला अरे मुआ घर को फेरिबार समय अति जे तमे मु मुआ देखिवो हे भगवान मो संसार रे उजड़ी गला ल मा मोले कोन करिला मा तो पावती आ तमे मते राती अधरे बोबाली छाड़ले ना बुझिला ना गाटा सारा एठी कुटी आछबे जो मान तो सब बाकी साकी खाई छी से माने जदि जानिबे जे मु तांको बाकी पैसा न सुदि कि हाणो मुह को चली जाउ छी ताले से माने कोन मते छाड़िबे एही हाणी देबे एत्ते बाटो जीवा को देबे ने बुझिलो सते तो हेले तमे तो किछ पाठ पढिलो से पंडित को संगरे लड़िबो केमिति जंतार जते बेले छा छा पादो दे आउ फसिबार बाटो नाही चंपावती मते लागु छी यही बोधुए तुम हाथ रंधा शेष खाइबा काम करो मत आउ के माछ छंचला जी हां टिके काई के सब जक न न हां सब जंग खाइ दय भल कने स्वर्ग रे तुम भलिया मते के माछ छंचला परसिबो कहलो तुम घर को भालो जाउ जी पंचम के हनुमान को पाकरे मु प्रार्थना करबी रक्षा करो प्रभु रक्षा करो ठीक है जो तुम्हारा राजा का मर्जी देखो गोपाल तुम विषय आगर मु बहुत किसी सुनी थी आज किंतु निज आखिर देखिबार मौका मिली छी मो पाई भी गोटे मौका जहां पना इधर तो हले ज्ञान चर्चा रो शुरुआत करे छ Thank you.
अनुमति दिया जाओ जहां पर ना जरूर जरूर हमें भी इजाजत दीजिए जहां पर ना जरूर पुरस्कार प्रदान करुच्छ नियम